Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlogs. So guys, आप जैसे देख रहे हैं हम लोग आज आए हैं मुमरा में एरिदा गोट फार्म पे. काफी टाइम पहले हम लोग लगभग डेढ़ साल पहले के एक साल पहले यहाँ पे आए थे इमरान भाई के पास. बोर्ड पे आप नंबर भी देख रहे हो इमरान भाई का. इमरान भाई का कुछ फीडिंग वगैरह का भी कुछ बिजनेस है, तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे इनके पास कौन कौन सी फीड अवेलेबल है और किस पे क्या रिजल्ट आता है. एक इनके पास बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसपे बकरियों का वेट वगैरह बहुत अच्छा गेन होता है, वो हम लोग आपको दिखाएंगे. तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई. वालेकुम अस्सलाम. इमरान भाई मैं बताना भूल गया, एक्चुअली इमरान भाई जो है थोड़ा कैमरे पे नहीं आते, तो जो भी रहेगा इमरान भाई हमको पीछे से ही मतलब जवाब दे देंगे अपनी फीड वगैरह की डिटेल्स वगैरह सारी. तो इमरान भाई आज हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? समीर भाई मेन मकसद है अपना ये फीड बताने का, जो मेन फॉर्मूला अपना अपने को लास्ट में रखने का, थोड़ा पब्लिक को पब्लिक वीडियो पूरा देखे करके. ठीक है तो फिर ये स्टार्टिंग हम लोग वहां से करते हैं, ठीक है. तो आ जाइए इमरान भाई. ये भाई कौन है? ये हमारे मछक भाई है. अस्सलाम वालेकुम भाई. पूरा यही देखते हैं अपने यहाँ के, मतलब सारी चीजें ये देखते हैं. ठीक ठीक. तो ये कौन सा, क्या नाम है इसका भाई? ये तुअर की फल्ली है, कोई इसको तुअर बिरयानी बोलता है, कोई तुअर. अच्छा अच्छा, ये वो बिरयानी जो देवनार में चलती है, जो फेमस है मतलब देवनार में बिरयानी के नाम से. ओके. अभी इसमें काफी क्वालिटी आती है, लेकिन हम लोग जो है ये अच्छा माल ही रखते क्योंकि अपना रिटेल का काम है. हमारी कॉस्टिंग भी महंगी रहती है और माल तुम देखो पूरा फल्ली पूरा हैंडकट, मतलब इसमें ज्यादातर तो फल्ली दिख के आ रही है. कुछ भी तुमको कांडी वगैरह बहुत ही कम है इसमें. ये जो बारीक कांडी बकरे खाते भी है. हाँ ये खा लेते हैं ना, जैसे ये जो है ना कुछ बचेगा, ये भी खा लेते हैं ना बकरे, खा लेते. ओके. तो इसका रेट हम लोग इसी पे बताएंगे लोगों को इनका, कि बाद में कॉल पे बताओगे कैसा करेंगे. ये रिटेल रेट मैं इसको 20 रुपीज से देता हूँ रिटेल. 20 रुपीज. अगर कोई टन दो टन लेता है तो वो हिसाब से कम ज्यादा हो जाता है. ओके. वैसे 20 रुपए किलो. वैसे ज्यादा फार्म से मेरा पूरा गाड़ी गाड़ी माल जाते हैं, 2 टन 3 टन ऐसा. बाकी रिटेल कोई आता है तो 20 रुपीज से, क्योंकि क्वालिटी वैसी. अभी नेक्स्ट हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट है ये फिल्टर हरी पत्ती. ये वाली फिल्टर हरी पत्ती है. फिल्टर भी है बोलने वाले, डबल फिल्टर. डबल फिल्टर भी बोलते हैं, फिल्टर ही बोलूंगा मैं. इसमें मट्टी कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर मट्टी दिख के आती है, मतलब धूल उड़ती है दिखती है इसके अंदर. इसमें नहीं बारीक काड़ी मिलेगी जो पॉसिबल नहीं हटाना. ठीक है. तो इसका रेट, इसके ऊपर तो बहुत सारे मतलब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है इसको लेके, तो आप क्या रेट देने वाले हो? भाई इसका मेरा रिटेल रेट है 25 रुपया, लेकिन देखिए जो कॉम्पिटिटिव लेता है तो हम लोग कम कर देते. कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए तो कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ. मेरा माल क्या है मुझे मालूम है, क्वालिटी के हिसाब से खरीदी भी 8-9 रुपया मार्केट से फास्ट होती है. इसमें भी काफी क्वालिटी आती नागौर मार्केट से ही. इसमें छोटी पत्ती होती है, काली पत्ती होती है, मिक्स होता है माल. ओके. तो इसमें 1 किलो वाले को भी वही रेट है जो आप बता रहे हो 25 रुपए? हाँ रिटेल 25 रुपया है. मतलब जो ज्यादा लेता है 200-300, 1 टन 2 टन 500 किलो, तो वो ऐसा हम लोग कम ज्यादा कर डालते हैं. उसमें नेगोशिएट हो जाता है? नेगोशिएट हो जाता है, लेकिन इतना है कि चीज अच्छी मिलती है. बाकी पब्लिक को मालूम है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना. ठीक. तो अभी हम लोग थर्ड ये देखने वाले, ये भी हरी पत्ती है लेकिन ये नॉन फिल्टर है. ये नॉन फिल्टर है, इसमें काटा भी आएगा, मिट्टी भी आएगी. थोड़ा सा भाई थोड़ा इसको भी आप दिखा देंगे लोगों को. तो इसमें आपको धूल उड़ती है, धूल दिखती भी है इसमें. ये नॉन फिल्टर है. ये नॉन फिल्टर. इसका क्या रेट देने वाले भाई? इसका रिटेल का 20 रुपया है. 20 रुपीज. हाँ बाकी जैसी फिर जो क्वांटिटी है बात होती है वो सबसे कम ज्यादा हो जाएगी. इसका आपने क्या रेट बताया? इसका 20 रुपया. 20 रुपये. और जैसे कोई बल्क में लेना चाहे तो कम हो जाता है फिर वो जैसे भी बात करे. ठीक. मतलब ये मतलब कैसा है, 1 किलो वाले को अलग रेट है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? 1, 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो? तो उसमें देखो रिटेल भाई अभी ऐसा है कि रिटेल 20 रुपया रेट है, ज्यादा इसका मार्जिन है ऐसा. बाकी क्वांटिटी जो फार्म वाले मेरे पास से लेके आते 2 टन 3 टन, तो फिर वो जब फॉर्म नेगोशिएबल हो जाता है. ठीक. और थर्ड अभी हम लोग चौथा नंबर ये है ना, ये क्या है? ये गवार की फल्ली है. हाथ में दिखाओ, हाथ में लो थोड़ा, वो नीचे है गोली, हाथ में दिखा लो. ये भी क्वालिटी देखो एकदम बारीक माल है.
इसमें भी नागौर से तुमको क्वालिटी आती है, इसमें भी अलग अलग टाइप के आते हैं क्या? ये सब भाई अच्छी चीज है, इसमें बकरे को छोड़ देंगे। ओके, आपके फार्म पे तो बकरे भी है, तो माशाल्लाह आप तो यही सब चीजें खिलाते होंगे, तो आपको ज्यादातर उससे मालूम होगा। दो साल ढाई साल हो गए ऐसे फील्ड के काम में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट नहीं किसी की। तो इसकी इसका रेट अगर हम लोग बात करें तो क्या रेट? 15 रुपए रेट है, 15 रुपए केजी रिटेल का। और अगेन अगर कोई बल्क में लेता है तो उसका भी नेगोशिएशन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? जौ। ये जौ, ये 30 किलो की बैग है और एकदम नीट क्लीन बैग, कचरा नहीं कुछ नहीं, सब एकदम क्लीन। थोड़ा सा इस तरफ लो ना भाई, ये थोड़ा हाथ में लेके इस तरफ ले लो। बस 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 बस। यार इसका क्या रेट है भाई? ये हम लोग बैग के हिसाब से बेचते हैं, 800 रुपए का रिटेल में बैग है। 800 रुपए 30 केजी का। 30 केजी। ओके, तो ये जो रेट है ये फिक्स ही रहने वाला है? अगर कोई बल्क होगा 500 किलो, 200-300 किलो लेगा तो 19-20 कम हो जाएगा, इसमें भी कम हो जाएगा नेगोशिएशन। ये तो अभी इसका भाव धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी गर्मी चालू हो गई ना, तो जौ का रेट बढ़ जाएगा। जौ मतलब ठंडा होता है क्या? हाँ, तासीर ठंडी होती है इसीलिए। क्वालिटी वाइज ये भी अच्छा है। अभी हम लोग देखेंगे मक्का ना जी। मक्का जरा भाई हाथ में लेके दिखा देना ना। मक्के में भी क्या मॉइस्चर वगैरह देखा जाता है? कुछ देखा जाता है वो कैसे? टुकड़े में मॉइस्चर का टेंशन नहीं होता है। अगर आप लोग अक्खा मंगाएंगे मॉइस्चर का, तो हाँ उसमें मॉइस्चर का प्रॉब्लम आता है क्या? तो टुकड़े में ये मतलब देखना ही नहीं है अपने? देखना ही नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, मतलब टुकड़ा कैसा? एक टुकड़े के 4 पीस होने चाहिए, जैसे ये टुकड़े के 4 पीस। ऐसा कुछ रहता है क्या? क्लीन है, बस निकालो डालो बकरे को, कोई टेंशन नहीं। और ये डाइजेस्ट होने में भी अच्छा रहता है ना बकरों को? नहीं तो अक्खा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नहीं, अक्खा भी होता है लेकिन इसमें कैसा है, बड़े बकरे तो अच्छा है, छोटे हो जाए कभी दांत टूट जाता है, कभी क्या हो जाता है। अच्छा, और ये चीज मैं नहीं देख रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी फार्म पे नहीं देखा, चने का छिलका है ना ये? भाई चने का छिलका ये, लेकिन मैं यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई। हाँ। तो ये मेरे लिए तो नया है, तो ये क्या है? मतलब ये भी बकरे एकदम शौक से खाते हैं? बहुत फास्ट खाते हैं। ओके, ये ज्यादा करके लोग चुन्नी में मिला के खिलाते हैं। ओके, कुछ लोग पानी में भिगा के भी खिलाते हैं, तो ये फील्ड में मिक्स करके भी खिलाते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर ये धूल है कि क्या है? ये पाउडर जो बनाया है उसी का पाउडर है ना? ठीक है, तो ये क्या रेट में? ये 25। अच्छा, मक्के का भी अपन ने रेट नहीं बताया। 800 रुपए का बैग है, 30 केजी है, 30 किलो का बैग 800 रुपए का। बल्क में लेंगे तो उसमें नेगोशिएशन के चांसेस हो जाएगा। और इसका कितना बताया आपने? 25 रुपीज केजी, कम हो जाएगा। ओके, इसका कितना? बहुत क्वालिटी आती है इसमें, और इससे बारीक बारीक भी पाउडर आता है, वो सब 20-22 रुपए केजी। ओके, वो सब मैं रखता नहीं। ये क्वालिटी मतलब बड़ा है ये छिलका, तो ये अच्छी क्वालिटी में आता है, इससे बारीक छिलका रहेगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो वो क्वालिटी वाइज नहीं अच्छा रहेगा। 18-20 रुपए किलो मिल जाता है। मतलब ये अच्छी क्वालिटी बोला है। सही है, इसका क्या 25 बोला है ना? कि मैं सब अच्छी चीज ही रखता हूँ, क्योंकि एक बार लोग लेके जावे तो जुड़ जाना चाहिए। तो ये इसका क्या रेट बताया आपने वापस? 25 रुपीज पर बैग केजी है, और बैग वाला हिसाब है? 50 केजी का बैग आता है, जितना जिसको जैसा लेना वैसा ले सकते। ओके, सही है। तो लूज बैग भी आप देते हो इसमें? अगर कोई लूज मांगेगा तो मिल जाएगा ना? 1-2 किलो 5। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं अपनी जो मेन फीड है जो आप बता रहे थे, इसमें बकरों का वेट बहुत अच्छा गेन होता है, तो वो कौन सी है वो बता देंगे? इमरान भाई ये क्या है? ये है क्या? मतलब ये तो क्या बोलते हैं? क्रश फीड है और ये ऑयल बेस्ड फीड है। ओके, इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। ऑयल बेस्ड फीड मींस देखो, अभी तक शायद ऑयल बेस्ड फीड नहीं किसी के पास है, अपने पास ही है ये। और एक बहुत ही अच्छे कंपनी है जो बनाती है, जिनके थ्रू मुझे पास आता ही है, मेरे पास ही अवेलेबल है फिलहाल मुंबई में, पूरे ऑल ओवर मुंबई। हाँ, अच्छा, मुंबई में अपने पास ही है। आपने मोनोपोली रखी है क्या कुछ? मोनोपोली नहीं है, बस हमारे रिलेशन अच्छे हैं। ओके, ऐसा है। तो इसका रेट भी आप हाई करने वाले हो फिर? इसका रेट रिटेल का ऐसा है 1200 है, 1200-1100 जैसा ट्रांसपोर्टेशन करके भी देते हैं हम लोग, लेकिन कोई क्वांटिटी में फार्म पे भी जा रहे हैं 30 बैग, किसी फार्म पे 40 बैग, तो हम लोग वो हिसाब से फिर दे। तो अभी पूरा बैग का हिसाब, इसके अंदर 12-14 इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर मकाई है, इसके अंदर चना छिलका है, इसके अंदर सोयाबीन है, इसके अंदर शेंगदाना पेंट है, इसमें हरी पत्ती वगैरह नहीं, हरी पत्ती वगैरह नहीं, हरी पत्ती गवार नहीं, वो सब नहीं रहता इसमें। इसके अंदर गुड़ है,
इसके अंदर टर्मोशिल है, टर्मोशिल में जो बकरे को बड़े बड़े फोड़े निकलते हैं ना, हिबिस्कस के जो फोड़े आते हैं okay. वो सब इससे कम हो जाते हैं और लिटरली कम होते हैं आपके पास, और आने वाले फोड़े भी नहीं बता भी रहते ना, तो इसी की वजह से उसको अच्छा रिजल्ट भी आया उसका। उसको टॉक्सिन बाइंडर बोलते हैं सॉरी, और टर्मोशिल भी इसके अंदर है जिसके अंदर काली मिर्च का ऑयल और जिंजर का ऑयल, गार्लिक का ऑयल, ये सब मिक्स है। अभी आप ये जो कर बता रहे हो, ये जिससे आप ले रहे हो वो, ये आपके ऊपर नाराजगी नहीं दिखा है कि भाई आप क्यों बता रहे हो सारे फॉर्मूले? इनका पूरा वीडियो आ चुका है, जैसे मैंने अच्छा, पहले आ चुका है तो मतलब आप बता रहे हो आसिम भाई के चैनल लोगों ने देख चुके और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ओके ओके। अभी इसमें ऐसा है कि किसी को 10 किलो भी मिल रहा है, किसी को 8 किलो भी मिल रहा है, 7 किलो भी मिल रहा है कोई बकरे को, लेकिन हम लोग एक 5 kg to 6 kg बोलते हैं। और इसका जो खिलाने का प्रोसेस है वो डे का फर्स्ट मील और लास्ट मिल ये होना चाहिए बस, बीच में आप एक टाइम हरी पत्ती दो, एक टाइम इसमें कितना दो, केजी देना चाहिए उसका? कुछ 500 ग्राम तो खाना चाहिए बकरा, आधा किलो। अभी अच्छा, ये अपने एक कस्टमर है बैंड्रा में, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, मैं उनसे फीडबैक मांगा, तो उन्होंने बोले भाई मेरे को 2 बैग में कम से कम मेरा बकरा 20 किलो के भी ऊपर गया माशाल्लाह। वो स्क्रीनशॉट भी चाहिए, मैं तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा कन्वर्सेशन में, तो वो स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करना, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में उसको भी ऐड कर दूंगा या स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा कस्टमर फीडबैक के हिसाब से। और मतलब 10 किलो उनका, 2 बैग, 1 बैग में 10 किलो का वीट गेना है ना? अब डिपेंड है हर बकरा के, हर बकरा एक जैसा नहीं होता चाहिए। बहुत अच्छा है, मैं अपने बकरों में भी चेक किया हूँ और जितने भी कस्टमर को दिया हूँ मैं पिछले 2.5 महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह सबने माल रिपीट किया। ओके, तो ये इसका कैसा है, लूज में अगर कोई मांगे तो मिल जाएगा? लूज में हम लोग इसको 50 रुपीज kg दे रहे हैं। ओके, और बैग के साथ? बैग को यहाँ के लेके जाता है तो 1000 रुपीज का बैग है। बैग कितने केजी का है? 25 kg का। सही है, तो 1000 रूपये में आप ये बैग दे रहे हो, और अगर कोई लूज में मांगता है तो 50 रूपये किलो। और अगर इसी के अंदर कोई बल्क में लेना चाहे तो अपन बात कर सकते हैं, उस पर नेगोशिएशन का चांस है। ठीक है, तो इमरान भाई और कुछ हम लोग सजेशन दूंगा कि जो सिंगल डबल पाल रहे वो एक बार ये फीड ट्राई करे, एक बार यूज करे ये फीड, 1 से 2 बैग यूज करे और खुद चेंजेस देखेंगे इंशाल्लाह। हम लोग भी यही चाहेंगे कि लोग आपसे जुड़े तो जुड़े रहे, इधर उधर ना जाए, मतलब कैसे है अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो फिर मतलब नहीं है वहाँ जाने का, तो रिजल्ट का ही खेल है भाई। बनाने तो मैं खुद भी मिक्सड बना के बेच सकता हूँ, 800 रुपया बैग, 800-850 रुपया बैग, लेकिन फिर वही खा के लेंडी फिर मतलब नहीं है। सही है, तो इसमें अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो हम लोग भी ये बोलेंगे जो 1-2 बकरे घर पे पाल रहे हो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब बकरों के लिए। फार्म वाले की भी कॉस्टिंग कम करेगा अगर कोई फार्म पे लेना रखना चाहे तो, फार्म वाले भी अगर यूज कर रहे, अभी 2-3 फार्म वाले के यहाँ गए हैं मेरा, 20 बैग गए 30 बैग गए, यही मैंने गया, उनका रिस्पॉन्स आना बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह आएगा तो भी मैं आपको बताना, मैं इंशाल्लाह उनका नंबर डाल दूंगा, आप डाल सकते हो। ठीक। अभी 2-4-10 जो कस्टमर अपनी फीडबैक दिए उनका भी नंबर मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दे, जिसको वेरीफाई करना है फोन करके वेरीफाई कर लेगा। हाँ, वो भी बेटर रहेगा, अपन डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दें कस्टमर का, जिसको चाहिए वो आप कॉल करके पूछे कस्टमर से, डायरेक्ट वो बेस्ट ऑप्शन है, लोगों को सीधा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ ही सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो इमरान भाई और कुछ हम लोग दिखाना चाहेंगे ये वीडियो में, कि वीडियो क्लोज करें, एंड करें? अभी मेरे पास थोड़ा कैल्शियम है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 13 मिनट का वीडियो हो गया है। फीड में तो नहीं अपने पास है। ओके, फीड में अपने पास फिलहाल ही है ना, फिलहाल। तो गाइज वीडियो को क्लोज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।